भीलवाड़ा में कोरोना वायरस को लेकर 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का महाकर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने भी शहर में फ्लैग मार्च किया। टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। वहीं महाकर्फ्यू के कारण शहर में पूरी तरह शांति रही और आमजन अपने घरों में ही रहे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, बताएं फिलहाल किस प्रकार के इंतजाम हैं। देखिए, 13 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है और भीलवाड़ा में अभी थोड़ी सी शांति की बात है कि अभी फिलहाल कोई केस सामने आया नहीं, तो क्या इंतजाम वहां पर करे गए हैं? भीलवाड़ा में वैसे कर्फ्यू का 15वां दिन है और कोरोना संक्रमण चेन को रोकने के लिए महाकर्फ्यू 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के लिए 10 दिन के लिए लगाया गया है। इसलिए निर्णय लिया गया है क्योंकि भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा केस पॉजिटिव हुए थे, इसलिए इस संक्रमण चेन को रोकने के लिए लगाया है। पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, चारों तरफ कॉलोनियों को शहर से बिल्कुल सीज कर दिया गया है। मुख्य मार्गों को बैरिकेड से अलग अलग करके बैरिकेडिंग कर की गई है और इसीलिए आज पुलिस दल ने फ्लैग मार्च लगा के सब पब्लिक को अपील की कि सब अपने घरों में रहें, अपने स्वयं को और अपने परिवार को बचाएं। मनीषा जी बिल्कुल योगेश, ये बताएं, देखिए हर जगह जनप्रतिनिधि आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो भीलवाड़ा में भी ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद लोग होंगे जिनको मदद की फिलहाल आवश्यकता है, उनके लिए क्या इंतजाम? भीलवाड़ा में प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए पूरा इंतजाम किया है। यूआईटी द्वारा निःशुल्क भोजन और सामान की निर्धन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, जिन्हें घर घर कॉलोनी में जाकर बांटा जा रहा है। वैसे भीलवाड़ा में जो 55 वार्ड है सभी में वार्डों में होम डिलीवरी की व्यवस्था उपभोक्ता भंडार द्वारा की गई है। यहाँ तक कि दूध भी होम डिलीवरी के द्वारा घर घर में पहुंचेगा और मेडिकल दुकानों को अधिकृत किया है कि वह जिनको भी जरूरत है उनको घर पे मेडिकल की दवाएं पहुंचाएं। जी बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार प्रयास जारी है किस प्रकार से इस जंग को जीता जाए। कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ने में नोखा पंचायत समिति क्षेत्र की